नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति और आपके साथ मैं हूं शलिन। बात करेंगे आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की और राज परिवार की। मध्य प्रदेश में लंबे समय से इस राज परिवार का दबदबा रहा है। राजनीति में बदलाव के साथ, विचारधारा में बदलाव के साथ इस परिवार ने राजनीति में अपनी भूमिका अदा की है, लेकिन ज्योतिरादित्य ने अब एक नई रेखा खींची है। अपने बागी तेवरों से जहां उन्होंने कांग्रेस को झटका दिया है, वहीं सियासत की नई कहानी भी लिखने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को जितना कांग्रेस पीड़ित बता रहे हैं, क्या सच में कांग्रेस ने सिंधिया के साथ सौतेला व्यवहार किया? क्यों सिंधिया को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आना पड़ा? इसे समझने के लिए आपको ये कहानी देखनी जरूरी है। कांग्रेस से 18 साल तक सांसद रहे महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना रास्ता बदल लिया है। कांग्रेस के योद्धा ने 18 साल की वफादारी के बाद बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजकर केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देगी। कभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीब रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर बीजेपी में क्यों चले गए, क्यों बागी हुए, इसे समझने के लिए अगले कुछ मिनट तक भारत समाचार पर बने रहिए। ज्योतिरादित्य के पिता और ग्वालियर घराने के माधव राव सिंधिया कांग्रेस सांसद थे। 30 सितंबर 2001 को हवाई हादसे में माधव राव सिंधिया की जान चली गई और सीट खाली हो गई। दिसंबर 2001 में ज्योतिरादित्य सिंधिया आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए और गुना सीट से ही उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से चुनाव जीते। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2007 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमोशन हुआ और उन्हें सूचना प्रसारण और संचार विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2009 में वो तीसरी बार चुनाव जीते और यूपीए 2 की सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बने। 2012 में मनमोहन कैबिनेट में बदलाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऊर्जा विभाग का राज्य मंत्री बना दिया गया। 2014 में वो लगातार चौथी बार गुना से चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई। पिता से विरासत में मिली शोहरत और राजनीतिक कद की वजह से केंद्र की राजनीति में कांग्रेस ने हमेशा सिंधिया को उम्मीद से ज्यादा दिया। केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए। 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। चुनाव से लगभग एक साल पहले कमलनाथ की एंट्री हुई और वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगे रहे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से उनका 36 का आंकड़ा जगजाहिर रहा। खैर, चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस की सरकार बनने के आसार बने। एमपी में सीएम बनने के लिए कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने जोर लगाया। राहुल गांधी सिंधिया को ही सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी का हाथ कमलनाथ के सिर पर था। आखिर में राहुल गांधी ने सिंधिया को मनाया और कमलनाथ सीएम बन गए। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे। ये पद तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन्हें पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया। पश्चिमी यूपी में सिंधिया ने काम भी किया, लेकिन वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं जिता सके। खुद अपनी गुना सीट पर वो अपने ही खास रहे केपी सिंह यादव से चुनाव हार गए। उसके बाद से सिंधिया खुद को किनारे महसूस करने लगे और दबाव बनाने के लिए अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। वहां पर समाजसेवी और क्रिकेटर लिख दिया। लंबे समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन्हें भाव नहीं दिया। इस महीने राज्यसभा के चुनाव होने, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद के लिए एक सीट चाहते थे। सिंधिया को कांग्रेस ने जितनी इज्जत केंद्र की राजनीति में बख्शी, मध्य प्रदेश की राजनीति में उतना ही उनको बर्फ में लगाया गया। इन्हीं सब को लेकर सिंधिया कांग्रेस से नाराज हो गए और उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया।
कांग्रेस के बागी विधायकों के दम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 18 साल कांग्रेस में रहने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ज्योतिरादित्य ग्वालियर के सिंधिया खानदान के वारिस हैं। ग्वालियर में एक जयविलास महल है। ये महल आजादी के बाद रजवाड़ों की राजनीति का गढ़ हुआ करता था और इसी महल से बदलाव की बयार अब एमपी की सियासत में तय हो रही है। लेकिन इस राज परिवार का क्या है राजनीति में रोल, इस रिपोर्ट में देखिए। ज्योतिरादित्य ग्वालियर के सिंधिया खानदान के वारिस हैं। ग्वालियर में एक जयविलास महल है। ये महल आजादी के बाद रजवाड़ों की राजनीति का गढ़ हुआ करता था। ये महल ग्वालियर के आखिरी महाराज जीवाजीराव सिंधिया का था। बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्सीडेंटल नेता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? तो मामला ये था कि माधवराव सिंधिया की 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रैली थी। दिल्ली से एक स्पेशल विमान उड़ा, 8 मुसाफिरों को साथ में लिया, लेकिन मैनपुरी पहुंचते पहुंचते विमान में आग लग गई और ये विमान भैंसरोली के गांव के पास खेत में गिर गया। गांव वालों ने कीचड़ वगैरह डालकर किसी तरह आग बुझाई, लेकिन किसी भी मुसाफिर को जिंदा नहीं बचाया जा सका। इस विमान में दिग्गज कांग्रेस नेता और उस वक्त गुना के सांसद माधवराव सिंधिया भी सवार थे। पिता की अचानक हुई मौत की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति में आना पड़ा। अगले बरस लोकसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1,00,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी चाहती थी कि उनका पूरा परिवार बीजेपी में रहे। जीवाजी राव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया की 5 संतानों में से माधव राव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिवा सभी बीजेपी में ही रहे। ज्योतिरादित्य की दादी और ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वो 1957 में गुना से लोकसभा सीट जीतकर सांसद पहुंची थी। 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद 1967 में वो जनसंघ में चली गईं। विजय राजे की वजह से ही उनके क्षेत्र में जनसंघ मजबूत हुआ। 1971 में जब इंदिरा गांधी की पूरी देश में लहर थी, तब भी जनसंघ यहां से 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। विजय राजे सिंधिया भिंड से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया गुना से सांसद बने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया सिर्फ 26 साल की ही उम्र में सांसद बन गए थे। वो भी जनसंघ में ही थे, लेकिन 1977 में आपातकाल के बाद उनके रास्ते जनसंघ और अपनी मां विजय राजे सिंधिया से अलग हो गए। 1980 में ज्योतिरादित्य के पिता ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो केंद्रीय मंत्री भी बने। ২০০১ में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। विजय राजे सिंधिया की बेटी और ज्योतिरादित्य की दोनों बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री कर ली। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो गई। वो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत भी बीजेपी में ही हैं। वो राजस्थान की झालवाड़ सीट से सांसद हैं। वसुंधरा राजे की बहन यशोधरा 1977 में अमेरिका चली गई थी। 1994 में जब यशोधरा भारत लौटी तो उन्होंने मां की इच्छा के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन की और 1998 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
तो आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत में वो दिन दोहरा ही गया जो 18 साल पहले हुआ था। कांग्रेस के महाराज ने हाथ छोड़कर भगवा का साथ पकड़ लिया है। सियासी उठापटक पर कमलनाथ सरकार की कैसी हालत है इस रिपोर्ट में देखिए। अठारह साल बाद हाथ छोड़ कमल का साथ। ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश की राजनीति के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार कांग्रेस को तलाक दे ही दिया और लंबे इंतजार के बाद भगवा ओढ़ लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का दामन थामा। इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। वैसे इस तस्वीर की तकदीर होली से एक दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन खुलासा होली पर हुआ और मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। रातोंरात राजनीति के बदले रंग ने सभी को सख्ते में डाल दिया। जो कल तक साथ थे वो अब बागी हो गए और गद्दार भी कहलाने लगे। बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। पूरे पार्टी में हो राजा की हैसियत में विराजमान थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में जाकर उन्हें जरूर प्रजा बनना पड़ेगा। जब तक वहां थे तब तक महाराजा थे, पर आज माफिया हो गए। मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है। सरकार को कोई खतरा नहीं है। धोखा देके दस्तखत कराए, वो संपर्क में है, वो जैसे ही विधानसभा चलेगी विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। सरकार बनी रहेगी, तैयार बैठी है। सिंधिया की इस नई पारी और पैतरों की असली सच्चाई अभी बाकी है, क्योंकि बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार तो बनाया है। तो क्या संकट में आ गई है कमलनाथ सरकार? सिंधिया के साथ 22 विधायकों का भी इस्तीफा। कांग्रेस कर रही बहुमत का दावा। दोनों तरफ जारी है विधायक बचाओ अभियान। इस लिहाज से अगर आंकड़ों को देखा जाए तो विधानसभा में कुल संख्या 206 है, बहुमत के लिए आंकड़ा 104 हो गया है। कांग्रेस गठबंधन के पास आंकड़ा 99 का है, बीजेपी के पास आंकड़ा 107 का है। विधायकों ने जो इस्तीफा दिया उनकी संख्या 22 है। बहरहाल आंकड़ों और सियासी चालों से इतना तो तय है कि कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब देखना ये है कि राजनीति का ऊंट बैठता किस करवट है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद एमपी में सियासी महाभारत कैसे करवट ले रही, बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। विधायकों को बचाने की जुगत में बीजेपी और कांग्रेस की कसरत के बीच सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में अब क्या होगा? तो आपको समझाते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है और समीकरण किस तरह से बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश का सियासी संकट, वर्तमान में 228 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 114 सीटें हैं, बीजेपी के पास 107 सीटें हैं,
सपा और बसपा के पास एक एक सीटें हैं जो कांग्रेस को समर्थन दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 4 निर्दलियों का भी समर्थन प्राप्त है। मौजूदा वक्त में बहुमत का आंकड़ा 116 है, लेकिन 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद स्थिति बदल जाएगी। कुल सीट 206 रह जाएगी, जिसमें कांग्रेस के पास 97 सीटें होंगी, बीजेपी के पास 107। सपा बसपा और निर्दलियों की बात करें तो कुल सीटें 6 होंगी और तब बहुमत का आंकड़ा 104 होगा। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा देने वाले कम से कम 8 से 9 बागी कांग्रेसी विधायक सिंधिया से नाराज बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये विधायक ना तो इस्तीफा देना चाहते हैं और न ही फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वो कमलनाथ के मास्टर स्ट्रोक का इंतजार करेंगे। हालांकि मौजूदा हालात में आंकड़े अब बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। वेज पुलाव, पालक पनीर कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। वाओ, ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक। बढ़िया। MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी होली। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी होली। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नारबा मसाले स्वाद की असली पहचान। जब खाने में लानी हो जान तो भरोसा करें सिर्फ नारपा मसाले पर। नारपा मसाले। दूध में चाहिए फैट की मात्रा ज्यादा, यानी कमाई भी ज्यादा और बहुत सारा फायदा। फिर भैंस को खिलाना सिर्फ अपना पशु आहार। ऐसे स्पेशल मयूर ग्रुप का अपना पशु आहार। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। फिटनेस हेल्थ ऑयल की तरफ से आपको होली की रंगारंग शुभकामनाएं। हाय, फिटनेस हेल्थ ऑयल से बने पकवान और रखें अपनी सेहत का ध्यान। हैप्पी होली। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली।